जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है RRC ग्रुप डी का एग्जाम ये मानो आ ही गया। ये तो आपको पता ही होगा कि जो फेज वन है वो कब है, 17 से 25 अगस्त। ये तो सबको पता ही होगा। फेज टू कब है, फेज टू आपका 26 अगस्त को शुरू। ये तो नॉर्मली सबको पता ही होगा। इसमें फेज वन में आ जाते हैं 3 जून वाले बच्चे और फेज टू में आ जाते हैं 5 जून वाले बच्चे। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। फेज टू में कौन से बच्चे आते हैं, जो 5 जून वाले हैं। ठीक, अब हम जो चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा आएगा, कितने अटेम्प्ट करें जो एक अच्छा स्कोर हम खड़ा कर पाए, क्या होगा सेफ स्कोर और क्या हो सकती है कट ऑफ। तो इन बातों को लेकर जो बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ रहता है तो उनके बारे में हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि हम कुछ पहला 2018 में जो ग्रुप डी की जो भर्ती निकली थी उसके बारे में चर्चा कर ले कि उस समय क्या था। 2018 में आपकी जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 62,960। कितनी थी, 62,960। लेकिन 2019 में कितनी थी, जो ये आपकी जो भर्ती है इसमें कितनी भर्ती है, इतनी इसमें कितनी वैकेंसी है, तो इसमें है आपकी 103,769। पता होगा ये आपको। अब 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे, 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 1,80,00,000 थे। कितने, 1,80,00,000 फॉर्म भरे गए थे। लेकिन यहां पर जो 2019 है यहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं, 1,15,67,248। ये इस भर्ती ग्रुप डी में अब फॉर्म भरे गए हैं, तो पहले से कम है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या हो सकती है, तो देखिए अगर हम 2018 की कट ऑफ के अनुसार देखें, 2018 की कट ऑफ क्या थी, तो 2018 की जो कट ऑफ थी वो आपकी जो 62 से लेकर 80 तक थी, यानी कि सबसे जो लोएस्ट थी वो तो थी 62 और जो सबसे ज्यादा थी वो थी आपकी 80। 62 कहां की थी, बंगलुरु की। 62 कहां की, बंगलुरु की। और 80 कहां की थी, तो 80 थी आपकी कोलकाता की। 80 कहां की थी, तो कोलकाता की। तो आपको ये तो पता चल गया कि कंपटीशन तो ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि जो 2018 में जो एग्जाम हुआ था 62 से और 80 के बीच में उसकी मेरिट, उसकी कट ऑफ गई थी। अब यहां पर देखिए पेपर कैसा आएगा। सबसे पहला प्रश्न उठता है पेपर कैसा आएगा। देखिए 2019 के बाद आपको पूरे 3 साल मिल गए, 2022 में पेपर हो रहा है, पूरे 3 साल मिल गए, तो पेपर तो ठीक ठाक आएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। 3 साल बहुत हो जाते हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर चुके होंगे, तो पेपर निश्चित ही आपको आसान लगेगा। डरने वाली बात नहीं है, पेपर में कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आप एक ही बार में कर दोगे, आप एक ही बार में कर दोगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा सा संभल के, जल्दीबाजी में मत करना, सोच समझ के। आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगी और नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका बहुत काफी फर्क पड़ेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो सीधा 1/3 जाएगा, ध्यान रखना। इसको ध्यान में रख के पेपर को अटेम्प्ट करना। तो 75 से 80 क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक आएंगे आपके पेपर में। अब जो आपके 25 से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 मान लीजिए या 25 से 20 मान लीजिए,
ये आपको थोड़े सोचने पर मजबूर करेंगे। मेरा मानना है आप पेपर को दो बार में करिएगा, पहले तो आप इनको कर लीजिएगा जो आप पर पूरे कंटेस्ट आप पर आते हैं, और दूसरी बार में जब आप इसको कर लें तो इनमें से जिनको आपको लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का आप पर कुछ भी नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट मत करना, वरना पूरे 1/3 जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, इनमें से जो आपको लगे एलिमिनेशन वाला मेथड लगा के उन क्वेश्चनों को ही अटेम्प्ट करना जिनमें आप थोड़े बहुत श्योर हो, वरना आप अपने सिलेक्शन के रुकाव का कारण खुद बन सकते हैं, ध्यान रखना। अब कितने अटेम्प्ट करें, आपको पता है जो 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो 62 से 80 के बीच में है, तो मेरा मानना है आपको कम से कम 85 से 92 अटेम्प्ट करने होंगे। 85 से 92 अटेम्प्ट आप अगर करोगे तो आप निश्चित ही 75 से 80 के बीच में अपना स्कोर कर लोगे। लेकिन ये अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि गलत लगा रहे हो, ये सही करके आना है, आपको लगना चाहिए कि इनमें से तो कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो 85 से 92 आप अटेम्प्ट करके आइएगा जिससे आपका स्कोर 75 से 80 हो सके, ठीक है। और आप और अच्छे से कर सकते हो तो और भी करके आ सकते हो, लेकिन निश्चितता होनी चाहिए कि वो सही हो, वरना नेगेटिव मार्किंग का आप शिकार हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सेफ स्कोर, आपने 2018 में आप देख चुके हो कि हाईएस्ट 80 मेरिट गई थी, तो यहां पर सेफ स्कोर क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पर भी आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 78 से 85 के बीच रहेगा। कम से कम इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 3 साल में पेपर हो रहा है, ध्यान रखिएगा। सबकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही थी और चल भी रही है, तो आपको क्या करना है, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, 85 से 92 अटेम्प्ट करके आए, कम से कम 78 से 85 के बीच में उनमें सही होने चाहिए, ऐसा पेपर आएगा। 75 से 80 नॉर्मल सवाल आएंगे जिनको आप देखते ही कर दोगे, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएंगे जिनको आप बड़ी ही आसानी से कर दोगे, 20 से 25 आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, उनको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब क्या हो सकती है कट ऑफ, तो 2018 में 62 से 80 के बीच में जो कट ऑफ गई थी, तो अब यहां पर 2019 में जो कट ऑफ होगी ना आपकी, वो मान लीजिए आप वो आपकी 75+ ही जाएगी, आपकी 75+ ही जाएगी। तो ध्यान रहे कि ये आपका सेफ स्कोर है, 75 अगर प्लस अगर आप सही करके आते हो तो ये मान लीजिए आपके कट ऑफ में आपका नंबर आना निश्चित हो जाएगा। तो पेपर को अच्छे से दे के आना, ये सब ध्यान रख लीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, जो भूल रहे हैं वो भी याद आ जाएगा। इस नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम है, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, 90 मिनट मिलेंगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से करना, कुछ भी चीज भूल के मत जाना, जो भी एडमिट कार्ड पर जो भी नोटिफिकेशन में दे रखा हो उन सबको अपने साथ लेके जाना, फोटो एडमिट कार्ड, फोटो आईडी और आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी आईडी है उसमें, वो आपने देख लिया होगा, वो सब लेकर जाना, समय से पहुंचना, समय से नहीं पहुंचे तो आपका दिमाग खराब हो सकता है और आप पेपर को खराब करके आ सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो आप समय पर पहुंचना, अच्छे से एग्जाम देना, रिलैक्स होकर देना, डरने की कोई बात नहीं है, 75 से 80 क्वेश्चन सरल आएंगे और 75+ ही कट ऑफ जाएगी, टेंशन मत लो, आसान पेपर आएगा, खुश होकर पेपर देना, टाइम पर पहुंचना। मेरी और AKGS रिसर्च सेंटर की जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ हैं, आप मुझे उम्मीद है आप अच्छे से एग्जाम देकर आओगे, और आने के बाद बताना आप कितने क्वेश्चन करके आए हो, कितना आपका कितने क्वेश्चन सरल आए, कितने कठिन आए, कितना आपका स्कोर है, तो उस आधार से हम आपको पूरी कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ पेपर के बाद बताएंगे। तो उम्मीद है आप अपने पेपर को अच्छा देकर आएंगे, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर को देना, खुश होकर पेपर देना, टाइम पर पहुंचना। तो आपके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो मिलते हैं आपके पेपर के बाद। जय हिंद, जय भारत।